तस्वीरों में दिख रहे ये बच्चे आपको लगेगा कि किसी नदी में खड़े हैं, लेकिन चौकिए मत, ये नजारा है सिवान के हसनपुरा प्रखंड के गांव के महावीर गोस्वामी उच्च विद्यालय का, जहां पूरा विद्यालय परिसर मानो जैसे नदी में तब्दील हो चुकी हो। इतना ही नहीं, स्कूल के बाहर का रोड भी पानी से भरा हुआ है और यहाँ पे आने वाले छात्राओं और शिक्षकों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। न्यूज इंडिया तक के संवाददाता साजिद हुसैन और अमित कुमार ने विद्यालय परिसर में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं साजिद हुसैन न्यूज इंडिया तक से। आज आप लोगों के हसनपुरा प्रखंड के हसनपुरा के एक हाई स्कूल में, जिसको महावीरी गोस्वामी हाई स्कूल कहते हैं, उस स्कूल में लड़कों को बच्चों को मतलब यानी कि जितनी भी लड़कियाँ इसमें हैं एनी वे टीचर तक को इतना मुसीबत उठाकर पानी को मतलब पार कर स्कूल में आकर हर क्लास को पढ़ाई देना शिक्षकों का बहुत बड़ा ये अहमियत है, रोल देखा जा रहा है, अहम रोल देखा जा रहा है कि बच्चों भी बता रहे हैं कि हमें टीचर भी बहुत मुसीबत झेलकर हमें पढ़ा रहे हैं इस टाइम। तो सरकार से यही निवेदन है बच्चों का कि हाँ, यहाँ पर एक रास्ता दिया जाए जो कि हम लोगों को पानी हेलकर नहीं आना पड़े। अभी कुछ बच्चों से बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ के बच्चों। बताएं बेटा, आपको क्या परेशानी होता है यहाँ पर, कब से ये पानी लगा हुआ है? 20 दिनों से पानी लगा, हम लोग पानी मतलब हेल कर आते हैं। टीचर लोग किस रास्ते से आते हैं, कोई और रास्ता है कि इसी रास्ते से आते हैं? नहीं, टीचर लोग इसी रास्ते से आते हैं और इसी रास्ते से। आपका शुभ नाम? मुस्कान जी। अभी हम मुस्कान खातून से बात करते हैं, फिलहाल किसी और से बात करते हैं, देखते हैं ये क्या बताती है। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से? शौचालय, स्कूल और शिक्षा, सारी बात निकलेगा। अभी मैं स्कूल के बच्चों से बात कर रहा था, फिलहाल मैं हेडमास्टर साहब से बात करना चाहूँगा कि यही विशेष बताएं कि यहाँ पर क्या है। सर, कितने दिनों से यहाँ पर पानी लगा हुआ है, किस किस को आपने इस चीज़ की सूचना दी है जो ये सबसे खतरनाक देखा जा रहा है कि बच्चों को मतलब इस पानी में कई तरह के वायरस यानी कि कई तरह के बीमारी हो सकते हैं बच्चों को, इससे बचने के लिए क्या रास्ता आपने किसको मतलब सूचना दिया है अधिकारियों को? ये बीमारी जब बाढ़ से पानी हुआ प्रांगण में घुस गया तो DM को सूचना दी गई फ़ोटो खींच करके। हमारा काम भी रुका हुआ है, हमारे छात्र और शिक्षक प्रतिदिन पानी हेल करके ठेहुन भर आ करके अपने विद्यालय में पठन पाठन का काम करते हैं। विद्यालय में हमारे कैंपस में हमेशा पानी लगा हुआ है जिसमें विषाणु जंतु भी रहते हैं, कभी डर लगता है कि बच्चों को कोई काट देगा तो नुकसान भी हो सकता है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप अपना शुभ नाम और अपने स्कूल का नाम और बता दें। मेरा नाम राजमंगल सिंह है, मेरे विद्यालय का नाम महावीर गोस्वामी कन्या उच्च विद्यालय है। आप किस पोस्ट पर? मैं प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर। आइए मैं फिर दूसरे टीचर से बात करता हूँ कि इनका क्या कहना है इस बात पे। सर बताएं कि यहाँ पर क्या क्या मुसीबतें उठाना पड़ता है बच्चों को? जी, मैं सरवरी माँ महावीर गोस्वामी कन्या उच्च विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ और पिछले महीने 11 तारीख से जो भारी वर्षा हुई है उसके कारण जल का जमाव हो चुका है इस पूरे कैंपस में और हालत ये है कि बच्चे हमारे बहुत मुश्किल से आते हैं और सबसे बड़ा एक डर ये बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ कोई विषैले जंतु बच्चों पर प्रहार कर दें और नाना प्रकार की बीमारियां इनके साथ हो जाएं। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, प्रयत्न किए, दैनिक भास्कर से के माध्यम से हम लोगों ने जिला मुख्यालय को सूचित कराया है, राज्य सरकार को सूचित कराया है, परंतु अभी तक इसका कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। और मैं इस विद्यालय के बारे में बता दूँ कि 1986 से चलने वाला ये एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो यहाँ पर लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 25 गांव की बच्चियाँ इस विद्यालय में पढ़ने आती हैं और हम लोग एक अनुदानित शिक्षक हैं, परंतु इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग विद्यालय में नियमित रूप से आते हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मैं सरकार से, जिला मुख्यालय से और शिक्षा मंत्री से, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि ये बालिका विद्यालय है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए और पानी की निकासी का उत्तम प्रबंध किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं इस टाइम हसनपुरा प्रखंड के हसनपुरा के महावीरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल हाई स्कूल में मैं मौजूद हूँ और ये है सच्चाई यहाँ का। आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को माध्यम से ये लोग पहुँचाना चाहता है सरकार तक ये मैसेज कि हाँ, बच्चे कितने दिनों से, एक महीने से मुसीबत उठा रहे हैं, इसमें तरह तरह की बीमारियाँ और तरह तरह के कीड़े भी पाए जाते हैं जिससे टीचर बहुत सावधान है और बच्चों को देख रेख कर पार करवाते हैं रास्ते। खुद मैं पानी हेल कर आकर न्यूज़ कवर कर रहा हूँ और आप इस टाइम देख सकते हैं कि हम हसनपुरा में मौजूद हैं। यही पूरा मामला था, सरकार देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई करती है।